न्यूज़ में आपका स्वागत है, मैं हूं बजाज। तो आपको हम खबर दिखा रहे हैं महेंडर से, जहां पे महेंडर के सलानी एरिया में शहीद औरंगजेब के घर आज महाराष्ट्र से एक डिफरेंटली एबल्ड पर्सन का एक दल जो है उनके घर उनके परिवार को मिलने के लिए आज पहुंचा। इस सिलसिला में उन्होंने ये भी बताया कि ये जो लोग हैं अलग अलग स्टेट से हैं और शहीद के घर आज कारगिल विजय दिवस के दिन वो पहुंचे और उन्होंने कहा कि इस शहीद के कहीं वो भी मोहब्बत रखते हैं और उन्होंने आज इसका इजहार किया। इस बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे पहुंच के उनके घर परिवार से मुलाकात की। आइए आपको दिखाते हैं महेंडर से पसमंजर के लिए तारीख। जो डिफरेंट भाग से हैं, कुछ गुजरात से हैं, कुछ कर्नाटक से हैं, उनसे हमने डिस्कस किया कि इस कारगिल विजय दिवस के दिन शहीद भारत का औरंगजेब, क्योंकि औरंगजेब का नाम इतिहास में बहुत गलत तरीकों से लिया जाता है, तो ये जो भारत के औरंगजेब हैं जिन्होंने कोई भी चीज़ धर्म को छोड़ के और ये सब छोड़ के अपनी शहादत दी है, उनकी दिवस को मनाने के लिए हम कारगिल विजय दिवस के दिन उनके घर जाएंगे और उनके फैमिली के साथ खड़ा रहेंगे, ये मैसेज देने के लिए। अगर एक दिव्यांग खड़ा हो सकता है एक शहीद के फैमिली के साथ, तो फिर नॉर्मल लोग जो हैं वो क्यों नहीं खड़े देखने के लिए कि शहीद की फैमिली कैसे रहती है, शहीद के घर में क्या होता है। और यहाँ आने का बहुत दुख हुआ कि ना यहाँ पे सड़क है, ना यहाँ पानी है, ना यहाँ बिजली है, कुछ भी नहीं है। वादा बहुत किया गया है बहुत सारे शहीदों के साथ, वो पूरा होता भी होगा हमें नहीं मालूम है, पर जहाँ तक शहीद औरंगजेब के घर की बात है, मैं उनके पिताजी से मिला, उनकी माताजी से मिला, बहुत दुखी हैं क्योंकि यहाँ पे सड़कें नहीं है, लोग इनसे मिलने भी आना चाहते हैं, ये कहीं जाना चाहते हैं तो उस कारण से जा नहीं सकते हैं। यहाँ पे ना लाइट की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है। तो 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस के दिन हम आए हैं और यही चाहते हैं, जहाँ हनीफ अंकल से हमारी बात हुई माता जी से, हमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से मिलने का समय चाहिए, ये मिलना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं ये कितने दुखी हैं और क्या बेसिक सुविधाएं इनके गांव में चाहिए, क्यों नहीं एक मॉडल गांव बन सके, क्यों नहीं यहाँ पे एक छोटा सा डिस्पेंसरी क्लिनिक हो सके, यहाँ पे कुछ व्यवस्था नहीं है। अब हम लोग आए हैं तो हमारे टीम में कुछ लोगों की तबीयत खराब हो गई थी, दूर दूर तक 50 किलोमीटर तक कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। तो मेरे ख्याल से हमारे जहाँ तक होना चाहिए, एक शहीद को फैमिली को अगर कारगिल विजय के दिवस के दिन चाहता है तो प्रधानमंत्री जी मिलने का समय दें और वो देंगे भी अगर उनके पास ये मैसेज पहुँचता है तो, और वो समझे कि क्या दुख है, कैसे वो मदद कर सकते हैं, शायद वो अगर एक बार बोले तो यहाँ की सड़कें क्या, ये पूरा गाँव शहर बन सकता है।